तो ये हमारे कॉलेज का सबसे बेस्ट IoT का प्रोजेक्ट है। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बाल्टी है और यहाँ पे एक गाड़ी बनाया गया है, मतलब व्हीकल बनाया गया है। तो ये सब IoT का बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो ये देखिए एक डस्टबिन का बाल्टी है, तो इसमें देखिए कंपोनेंट लगाए गए। ये ऑटोमेटिक बाल्टी जिसके इसके सामने जाने पर आपको सेंस करके ये बाल्टी का ढक्कन खुल जाएगा और उसमें आप कचरा डाल सकते हो। यही इसी थीम पर ये बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं अच्छा से, और ये कैसे काम करता है इसके बारे में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए यूज में लिखा है, और इधर साइड में देख सकते हैं कि इसके लिए गाड़ी भी बनाया गया। इस डिब्बे को इस गाड़ी पर रख के आप जहाँ रखना हो लेके जा सकते हैं। तो ये थीम इसका अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में पूरा अपने दोस्त से अच्छे से डिटेल में पूछते हैं। चल अंदर सर, ये हम लोग को योगी जी द्वारा मिला टैबलेट का डिब्बा है, इसमें हमने मोटर फिट किया है और गाड़ी में मोटर ड्राइवर अच्छा और इसके बारे में बताना चाहिए। इसके बारे में 40 रुपए की बाल्टी, 50 वाली 3000 mAh की 3.7 volt की 3 batteries लगी हैं। प्राइस ये बस ये 90 रुपए की एक पड़ी है, 70 रुपए की है। और ये आपका मोटर ड्राइवर है, ये LD296 इसका नाम है। और इसमें 4 मोटर कनेक्ट हो सकते हैं। इसका क्या काम है, मतलब क्या मतलब काम? ये मोटर को ड्राइव करने काम आता है, जैसे डायरेक्टली मोटर को आप नहीं चला सकते हैं, इसी का ड्राइवर है। इसमें आप कनेक्ट करके मोटर को चलाते हैं। और इसको आर्डिनो बोर्ड के ऊपर, आर्डिनो यूनो वाईफाई है ये, इसके ऊपर इसको असेंबल किया गया है। और इसमें कोडिंग का ब्रेडबोर्ड है, और ये HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसमें कोडिंग भी की गई है, यस, आर्डिनो आईडी के थ्रू इसमें कोडिंग की गई है। चलिए देखिए यूज करके और चलाया जाएगा। हमारे सिद्धार्थ भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, ये प्रोजेक्ट बहुत ही लाजवाब प्रोजेक्ट है। कंप्यूटर साइंस में पहली बार आज तक कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट हम लोग के पॉलिटेक्निक में ऐसा प्रोजेक्ट कोई नहीं बना था। कंप्यूटर साइंस में इसी में बना होगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं, IoT का प्रयोग करके इतना अच्छा बनाए भाई, गजब लाजवाब है। अपने चैनल के हिसाब से 100 मार्क दे रहे हैं, चला रहे हैं, इनके देखा जाए कि क्या काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पे चल गया है डांस कर रही है नागिन, डांस कर रही है डांसिंग डस्टबिन। और डस्टबिन है भाई, अबे दारू पी ली है। तो देख सकते हैं कि गजब की कार बनाई गई है, डस्टबिन कार। देखिए मेरा पीछा कर रही है, तो देखिए जा रही है, बहुत अच्छा बनाया गया डस्टबिन कार ही है। तो ये कचरे धोने वाली कार और टैबलेट के डिब्बे से मिलाकर बनाया गया, कुछ कबाड़ों से मिलाकर बनाया गया, तो बहुत ही जुगाड़ अच्छा है। और देखिए यहाँ पे आके फंस गई, तो चलिए ये तो देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा इसका ट्रायल, अब इसका कंट्रोल देख लेते हैं। तो सिद्धार्थ भाई से पूछते हैं कि इसको कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर जो है, तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा दिखाएं कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये आप खोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 बटन दिए गए, लेफ्ट राइट और अप डाउन का बटन है। तो इसे अप डाउन करने से अप आगे जाती है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाती है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा थीम है। अल्ट्रासोनिक सेंसर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये अंदर में 2 लगे हुए हैं, एक तो ये हमारे साइड में बजर लगा हुआ है, बजर है। और ये अंदर आर्डिनो यूनो वाईफाई है, बस इतने ही कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। मेन पर्पज ये है कि जब आप अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने ले जाते हैं, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो क्या करता है कि डिटेक्ट करता है कि चीज़ें कुछ चीज़ सामने आ रही है, कुछ चीज़ मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके आप पूरी डिटेक्ट करेगा। और फिर उसके बाद से पूरी डिटेक्ट करने के बाद जितना आप सेट किए हैं जितनी दूर कोई चीज़ हो, पूरी जो लगता है इसको धीरे धीरे ये खोलते जाएगा। और फिर जैसे सामने आप इसमें पूरा कचरा डाल के हटाइए सामने से, जैसे तुरंत ये आपका बंद हो जाएगा, फिर ये सिस्टम को धीरे धीरे बंद कर देगा। तो यही तो प्रोजेक्ट है भाई साहब। तो इसके बारे में तो अब जान लिए, चलिए इसके काम को देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो बता दें कि एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने जब ये हाथ करें, तो इसका जो ढक्कन है ऊपर क्या खुल रहा है, तो मतलब कहने का मतलब कि इसके सामने कोई भी व्यक्ति आएगा कचरा डालने के लिए, तो उसको सेंस करके ये ढक्कन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक खुलने वाला डस्टबिन का डिब्बा है और बाल्टी है, तो बस अच्छा ही बहुत अच्छा है। तो इसका थीम बहुत अच्छा है, इसको फ्यूचर में बहुत ही यूज किया जाएगा, तो बस ये समझ लिए। तो चलिए बस ये वीडियो में बस इतना ही तक, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।